नमस्कार दोस्तों, अलकास किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका। आज हम बनाएंगे हरे मटर की घुघरी। इसको बहुत जगह घुघनी भी कहते हैं। आजकल हरे मटर का सीजन है तो हम लोग हरे मटर की घुघरी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर चाहिए, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर चाहिए, एक बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, 250 ग्राम हरी मटर चाहिए और एक बड़ा सा आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ चाहिए और थोड़ी सी हरी धनिया चाहिए। तो चलिए अब बनाते हैं इसे। पैन को गरम करेंगे। जब आपका पैन अच्छा गरम हो जाए तो उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। मैंने यहाँ राई के तेल डाले हैं। अगर आपको राई का तेल नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड दाल में भी इसे बना सकते हैं। जब आपका तेल अच्छा गरम हो जाए तो उसमें जीरा डालिए और कटा हुआ बारीक प्याज डालिए और अच्छे से चला दीजिए। अब इसमें हरी मिर्च डालिए और उसे भी अच्छे से चला दीजिए। अब इसमें हल्दी और धनिया पाउडर भी डाल के चला दीजिए और जब आपके मसाले अच्छे से पक जाएं तब उसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए और उसे भी चला दीजिए। लाल मिर्च पाउडर पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो वो सारी लाल मिर्ची जल जाएगी। जब लाल मिर्च आपकी भुन जाए तो उसमें आलूओं को डालिए और उसे भी चला दीजिए। जब आपके आलू 2-3 मिनट भुन जाएं तो आप उसमें हरी मटर डालिए और उसे भी खूब अच्छे से चला दीजिए। अब इसमें आप नमक डालिए और नमक डालने के बाद सबको मिक्स कर दीजिए और धीमी धीमी आंच पे इसको ढक के पकने दीजिए। 20-20 में इसको चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे ताकि हमारी मटर और आलू जले नहीं। इसको पकने में 5 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। 10 मिनट में आपकी मटर पक के तैयार हो जाएगी। जब आपकी मटर पक जाए तो आप उसी समय उसमें अमचूर पाउडर डालिए और बारीक कटी धनिया डालिए और धनिया डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये आपके हरे मटर की घुघरी बन के तैयार है। इसको नींबू के साथ और हरी मिर्च के साथ सजा के सर्व कीजिए। खाइए, खिलाइए, बनाइए और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हरे मटर की घुघरी कैसी बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।